द इवन इटसेल्फ सेज कि औरतों की जो जगह होती है इस देश में, इस समाज में, वो उन्हें मिलनी चाहिए. बहुत सारे क्षेत्रों में वो जगह नहीं मिलती है. हम विमेंस डे भी मना लेते हैं, हम बहुत सारी जगह बहुत सारे भाषण और लेक्चर भी दे देते हैं अबाउट विमेन, बट सच्चाई ये है कि मैं एक एग्जांपल बताऊंगी कि करवा चौथ पे एक जो लड़की आई थी मुझे मेहंदी लगाने के लिए, वो इतनी टैलेंटेड है लेकिन उन्हें वो फैमिली का सपोर्ट नहीं है कि वो अपने पैरों पे खड़े होके कुछ करके दिखा सके. यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम उन सारी औरतों को वो सपोर्ट दिखाना चाहते हैं, एंकरेज करना चाहते हैं कि अगर आप में टैलेंट है, नहीं भी है, तो आप एक औरत है, आप वो औरत है जो घर चलाती है और अपने बच्चे को भी पालती है, और बखूबी जो एक आदमी नहीं कर पाता वो आप करके दिखाती है. लॉकडाउन में हम सब ने देखा, जब हमें अपने घर का काम भी करना पड़ रहा था और खाना भी बनाना पड़ रहा था, तब ये पता चला कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है. एक हाउसवाइफ ये करके बताती है, हमारे देश की जो मिसेज हैं वो ये करके बताती है. सो वी आर हियर टू एंकरेज देम. यू आर वेरी टैलेंटेड. लोगों को सिर्फ ये लगता है, औरतों को सिर्फ ये लगता है कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं खाना बनाती हूँ, मैं घर साफ करती हूँ, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं है. दिस इज़ योर टैलेंट, यू नो, दिस इज़ योर टैलेंट. आप घर चलाती हैं ये हर किसी के बस की बात नहीं है. कम आउट, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. वी आर हियर टू सपोर्ट यू, वी आर हियर टू गिव यू अ पुश, दैट पुश दैट यू रियली नीड. सो हम उस पुश के लिए यहाँ पर है, उन सारी औरतों को एंकरेज करने के लिए. आप आइए, अपना टैलेंट दिखाइए, हम आपके साथ हैं. वेल, आप जज करने वाली हैं कि कौन से बेसिस पर और क्या कुछ माइंड में रखते हैं यू नो कंटेस्टेंट्स को जज? मैं सच बताऊं, मैंने कुछ भी माइंड में नहीं रखा है. हर एक इंसान अलग होता है, हर एक औरत अलग है, हर किसी में एक अलग टैलेंट होगा. मैंने ऐसी कोई प्रिपरेशन, कोई तैयारी नहीं की है, कोई क्या सवाल पूछूंगी मुझे कुछ नहीं पता है. बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट, आई एम एक्साइटेड. जैसे काम्या जी ने बोला कि हम एक औरतों को पुश देना चाहते हैं, बिकॉज ऐसे बहुत सारे औरतें होती हैं जिनको इस इंडस्ट्री में कुछ करना है, उनको आगे बढ़ना है, पर उनको वो सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता. बेसिकली पर्सोना मिसेज इंडिया हमने शुरू ही इसलिए किया था ताकि इस पैजेंट के ज़रिए हम उन सब औरतों को वो पुश दे सके, वो एक पहला सीढ़ी, पहली स्टेप दे सके ताकि वो आगे बढ़ सके और इस इंडस्ट्री में अपनी एक मुकाम हासिल कर सके. So Kamya, how supportive you were from your family's side? Because you know, as you said, ki ek you know mehndi lagane wale ki jisko support nahi mila tha, how supportive and how you know lucky you were from your family's side ki aapko support mila. सबसे पहली बात तो जो खुद के लिए नहीं खड़ा होता उसके लिए फिर कोई खड़ा नहीं होता, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे आउटसाइडर्स हो. मुझ में हमेशा ये जज्बा रहा है कि मैं स्टैंड लेती हूँ, अपने आप के लिए आवाज़ उठाती हूँ और दूसरों के लिए भी उठाती हूँ. ये चीज़ मुझे मेरी मॉम से ही मिली है. सो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है एंड आई एम बीइंग वेरी लकी कि 10 साल तक मैं एक सिंगल मदर रही हूँ और अब जाके जब मैंने शादी की है तो मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है. सो आई एम बीइंग लकी. लेकिन बात यहीं पर यही है कि अगर आप खुद अपने लिए खड़े रहेंगी तो ही आपके लिए लोग खड़े रहेंगे. ओके, डन. सो वील छोड़ेंगे नहीं ना इतनी आसानी से मुझे. सुपर, आई एम रियली रियली इंजॉइंग इट. आते ही ऐसे बहुत सारे काम, ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, ये नहीं कहूँगी कि मैंने देखी बढ़ा, सौंपी भी गई, भरोसा भी किया गया मुझ पर. तो कांग्रेस ने अभी अभी जन जागरण अभियान शुरू किया है महंगाई के खिलाफ. एक बहुत बड़ी पदयात्रा थी कुछ दिनों पहले, जो जिसका हिस्सा मैं बनी. बहुत मज़ा आया, पहली बार, इट वाज माय फर्स्ट टाइम, ऐसे स्ट्रीट पर था मेरा फर्स्ट टाइम कि सड़क पर आम जनता के साथ, लोगों के साथ उतरना, उनसे बात करना, उनकी तकलीफ़ों को समझना. सो वो मैंने अटेंड किया और वहाँ पर बहुत कुछ सीखा. हमारी कंगना जी तो क्या कारनामे कर रही है ये तो आप लोगों को पता है. उसके खिलाफ़ हमने
पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया है, वहाँ पर एक मोर्चा था, उसका हिस्सा मैं बनी. सो आई एम रियली एंजॉइंग इट. मैं सिर्फ ऐसे हाथ हिलाने के लिए कांग्रेस में नहीं हूँ, मैं यहाँ पर अच्छा काम करने के लिए हूँ, और वो काम मुझे ऑलरेडी भी सौंपा गया है जो मैं कर रही हूँ. एंड बस मैं देश की सेवा करने के लिए उत्सुक हूँ. Well, you have always been vocal as an actress. Are you going to be that much vocal as an politician? Of course, that's why I took this major step. You know, it's like a complete change of a career. You know, और टेलीविजन ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सराहा है. मैंने 15 साल टेलीविजन में काम किया, अभी मेरा शो बंद हुआ है, और रियली काइंड टू गॉड एंड ऑल माई ऑडियंस. मुझे एक शो बंद होते ही दूसरे का भी ऑफर आ गया, बट क्योंकि मैं एक नया चैप्टर शुरू करना चाहती थी अपनी लाइफ में, तो मैंने वो शो नहीं लिया और मैं पॉलिटिक्स में आई. बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि मैं जिस तरीके की हूँ, मैं करना चाहती हूँ कुछ. मैं एक्चुअली लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ. मैं एक्चुअली औरतों में वो जज्बा क्रिएट करना चाहती हूँ कि यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड यू एक्चुअली कैन स्क्रीम इन फ्रंट ऑफ द पीपल एंड से कि मैं लड़की हूँ और मैं लड़ सकती हूँ और लड़कर और जीत कर दिखा सकती हूँ. मैं एक्चुअली ये सारी चीज़ें करना चाहती हूँ, इसलिए आई डोंट नो. आई थिंक इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट, लेकिन यस मैं तैयार हूँ. अगर पॉलिटिक्स में मेरा टाइम ज़्यादा चाहिए होगा और मेरा फुल फोकस चाहिए होगा, जैसे मेरा फोकस है, इसलिए अभी मैं कोई शो नहीं ले रही हूँ. मैं चाहती हूँ कि 6 महीने मैं फुल टाइम दूँ अपना. लेकिन हाँ, आगे जाके कुछ सालों बाद अगर ऐसा होता है कि मुझे पूरा टाइम पॉलिटिक्स को देना हो, तो मैं दूंगी और एक्टिंग को टाटा बाय बाय कर दूंगी. क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम एक्चुअली एक ऐसे देश में रहें जिसके दो साइड है, जिसके दो पहलू है? यू नो, अभी हमने देखा कि हमारे मुसलमान भाइयों को सड़क पे नमाज पढ़ने से कुछ हिंदू लोग रोक रहे थे. उसी जगह पे हमने देखा कि गुरुद्वारे के दरवाजे खुले हो गए उन्हीं मुसलमानों के लिए जो नमाज पढ़ सके. सो दीज आर द टू साइड ऑफ इंडिया, करेक्ट? हम बिल्कुल ये करते हैं. हम नवरात्रों में माता रानी की पूजा करते हैं और उसी देश में इतने रेप भी होते हैं. सो यस, आई एग्री टू दिस. यस, देयर आर टू साइड ऑफ इंडिया. एक साइड एक ऐसा है जिस पर हमें इतना गर्व होता है कि हम उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है, और एक ऐसा साइड है जिसके लिए हम उम्मीद करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं कि वो साइड चेंज हो जाए. सो यस, व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट? हाय, लेट्स नॉट टॉक अबाउट बिग बॉस. यस, मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं बिग बॉस रेगुलरली देखती हूँ और अपने व्यूज़ मैं ट्विटर पे भी लिखती हूँ, तो वहीं से उठा लिया करो यार. उठाते रहेंगे, लेकिन डू यू थिंक कि यू नो आपने हमेशा तेजस्वी और यू नो करण के गेम के रिलेटेड कहा है, डू यू थिंक कि करण का जो गेम है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी की वजह से कम्पैक्ट हो रहा है? हाँ बिल्कुल हुआ है, और तेजस्वी का भी हुआ है. यू नो, दोनों इंडिविजुअली बहुत ही कमाल के प्लेयर्स हैं. दोनों शुरुआत में बहुत अच्छा कर रहे थे. तेजस्वी बहुत एंटरटेन कर रही थी, करण बहुत बढ़िया तरीके से टास्क कर रहे थे, स्ट्रैटेजीज बना रहे थे. इट वॉज एंटरटेनिंग एंड सुपर्ब. बट ये जो मेल मिलाप हो रहा है, कितना सच है कितना झूठ है, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहती. लेकिन यस, उस वजह से दोनों की गेम इफेक्ट हुई है. मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ करण की, तेजस्वी की भी हुई है. एंड आई होप कि देखो, बॉन्डिंग तो हर सीज़न में होती है, लेकिन साथ में गेम को भी ध्यान में रखना चाहिए. सो आई एम होपिंग कि वो गेम भी खेले और एंटरटेन करते रहे. नाउ आई विल सी ऑल इनसाइड. आई डोंट वांट टू स्टे. हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, पद्मश्री इज अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड. ये उसके लिए आप अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं, लेकिन
मैं उस अवार्ड की हकदार हूँ या नहीं हूँ, ये अथॉरिटीज़ जो है जो ये डिसाइड करती हैं, वो उनसे मेरा ये सवाल है और उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस बात पे भी इन्वेस्टिगेट किया जाए, इन्वेस्टिगेशन हो कि क्या इज शी वर्दी ऑफ सच ए प्रेस्टिजियस अवार्ड, ये जो उन्हें मिला है क्या वो उसकी हकदार है भी या नहीं। क्योंकि जो इंसान हमारे देश के लिए एक ऐसी स्टेटमेंट देती है, उसे ऐसे अवार्ड, ऐसा अवार्ड देकर हम क्या एग्जांपल सेट करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हमारी यूथ एक ऐसे इंसान को फॉलो करे जो ऐसा इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड लेने के बाद हमारे देश के बारे में इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दे और हम कुछ ना करें? आपने कुछ नहीं किया। सो यू नो, ये एक ऐसा सवाल है। नो मैटर वॉट पार्टी यू बिलोंग टू, नो मैटर वॉट पार्टी यू फॉलो और वर्शिप, आफ्टर ऑल वी ऑल आर इंडियंस, हम सारे देशभक्त है, हम एक ही देश के वासी हैं। सो देन व्हाई है तो हम सारे हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तान के खिलाफ इतना बड़ा स्टेटमेंट देने वाला, वो उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? ये मेरा सवाल आप सबसे है। सो आप इसका जवाब दीजिए। एंड थैंक यू। नो बस नो चलिए, अभी चलो ठीक, नाम चलो जाने।